अस्सलाम वालेकुम अजीज़ दोस्तों, कैसे हैं? सारे खैरियत से हैं। ARI चैनल से अब्दुर्रऊफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की ये वीडियो जो है थोड़ा सा जादुई करतब के हवाले से, हाथ की सफाई के हवाले से हम पेश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप सारे महजूज होंगे। इस हिस्से में आपको सिर्फ वही जादू करतब दिखाएंगे और दूसरी वीडियो आएगी जो उसमें फिर इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे भी सही कि ये करतब कैसे किया जाता है। तो बेहतरीन है जब इसको आप लाइव घर में करेंगे, बच्चों के सामने करेंगे, बच्चे बड़े खुश होते हैं। और इसको समझने के लिए बहुत वो यानी कि जहन लड़ाने की ज़रूरत होती है बिल्कुल इजी सा, लेकिन थोड़ा सा हाथ की सफाई से ये काम किया जाता है तो बच्चे बड़े महजूज होते हैं। पहली दफ़ा जब मैंने भी ये देखा था तो मैं तो परेशान हो गया। तो मैंने कहा वाकई ये जादू है, मैंने कहा ये वाकई जादू है भाई। लेकिन फिर मैंने खुद किया, जब इसको सीखा फिर वाकई ये है। तो छोटा सा ट्रैक लेकिन है बड़ा बेहतरीन मकबूल ट्रिक है, जहाँ भी दिखाया जाता है लोग बड़े महजूज होते हैं। वो इस मानते नहीं है, वो फिर कहते हैं जी आपके हाथ में कोई और चीज़ थी या ये वो। तो आपने इसको गौर से देखना है, दूसरी वीडियो आएगी तो उसमें इसका हाल बताया जाएगा। आप फिर इसको सीख लेंगे, फिर आप दूसरों को भी दिखाएंगे। एक फ़न टाइम भी है एक किस्म का। तो वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी देने हैं और सब्सक्राइब भी करना है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। हर चीज़ें मिलेंगी इसमें, हर किस्म की वीडियोज़ मिलेंगी इंशाल्लाह आपको। ARI चैनल का नाम है हमारे, तो लिंक भी शेयर कर दीजिए कि उससे आप इसको देख सकते हैं। चलें जी अब ट्रैक शुरू करते हैं, जादुई ट्रैक जिसको हम कह सकते हैं। ये देखें जी मेरे हाथ में और कुछ नहीं है, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 बीज पड़े हैं। ठीक है जी, इस तरह 6 चीज़ें लेनी है आपने। अब इस जादुई ट्रैक में थोड़ा सा हाथ की सफाई है, कुछ जादू तो नहीं है, बस जादुई ट्रैक हम इसको कह सकते हैं। जो मदारी या बाजीगर होते हैं वो वैसे ही करते हैं, तो हम समझते हैं शायद उसमें कोई जादू वगैरह है। तो ये 6 चीज़ें हैं, 2 को मैं अपने हाथ में लेता हूँ। ठीक है जी, ये आपके सामने हैं और मेरे हाथ में कुछ नहीं है, हाथ बिल्कुल खाली हैं, बाजू भी खाली हैं। अब इनके हाथ भी देख लें, इन्होंने मेरी हेल्प करनी है। अब ये देखें जी, ये 2 आ गई इसमें हाथों के अंदर। अब 2 ऊपर रखेंगे इनके, एक इस साइड पे एक उस साइड पे, और जो दूसरी 2 हैं वो कलाइयों पर रखेंगे। ये कलाइयों पर आ गई। अब ऊपर 4 पड़ियाँ हैं, हाथ में एक एक है, तो कुल 6 बन गई। अब ऊपर वाली 4 मैं नीचे फेंकूँगा, और नीचे फेंकने के बाद जो है फिर उनको दोबारा अंदर डालेंगे। फिर आप देखेंगे कि किस तरह जो है 6 की यानी कि एक हाथ में 3 3 आने चाहिए, इस लिहाज से 2 उधर डालेंगे 2 उधर, लेकिन वो कम से ज़्यादा कैसे हो जाएंगे वो आपने गौर करना है। फिर चलें जी, वो नीचे कितनी पड़ियाँ हैं गिने, 4 पड़ियाँ हैं, वही वही, और मेरे हाथ वैसे ही खड़े हैं। 2 इसमें डालें, अब जो नीचे गिरी थी 4 वो 2 उसमें चली गई हाथ में, 2 साथ में हैं, 2 साथ में आपके सामने। अब इधर कितनी हो जाएंगी 3, इधर कितनी हो जाएंगी 3। अब हमारा असल जादुई करतब देखें जी, उसमें 2 हैं उसमें 4 हैं। अब इसको एक बार दोबारा करके दिखाते हैं, आपने गौर करना है। ये देखें जी, वही 6 पड़ी हैं और हाथ में कुछ नहीं है। 2 को लेंगे हाथ के अंदर ऐसे, और जो उनके हाथ भी देख लो उनमें कोई नहीं है। अब मैंने अपने हाथ बंद कर लिए हैं, इनको इधर सीधा रखे हैं। अब वैसे ही है, 6 थी वही, 2 हाथ के अंदर हैं, 2 बाहर की तरफ हैं। तो अब हम इनका ट्रैक करते हैं कि कैसे होगा। अब ये वो 4 नीचे गई हैं, हाथ में मौजूद हैं वो 4, 2 इधर रखेंगे, वही 2 उधर। अब उधर 1 थी पहले, इधर भी 1 थी, 4 जो नीचे फेंकी थी वो 4 के 4 आई पड़ी हैं उधर। 2 साथ में रखी हैं, 2 साथ में, 3 3 होनी चाहिए। अब जादू करते हैं जी, क्या होता है ये देखें, उसमें 2 आ गई, उसमें कितनी आ गई 4 आ गई। तो ये बहुत ही अच्छा करतब है, आसानी से समझ नहीं आता। इसमें हाथ की सफाई इस्तेमाल की गई है और बच्चे बड़े सारे महजूज होते हैं, पुराने बुज़ुर्ग जो हैं उनको तो पता है। तो इसका जो स्टेप्स हैं वो अगले उसमें आपको बताएंगे इंशाल्लाह, और आप महसूस भी होंगे। चलें दोस्तों, अब ट्रैक हो गया। आप इसमें किस देखें, किसी किस्म के सामान की बड़ी की ज़रूरत नहीं है। 6 गुठलियाँ लेनी है, 6 किसी चीज़ के दाने लेने हैं, गोलियाँ लेनी हैं छोटी छोटी। अब हमने बकैन की जिस तरह ये 6 ले लिए हैं, बीज ले लिए हैं, आप इस तरह की 6 चीज़ें लेकर ना कोई ये घर में बासानी कर सकते हैं। बच्चे भी खुश होते हैं, बच्चों के अंदर जज्बा पैदा होता है काम करने का। कोई स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर, वो स्कूल में दिखाए बच्चों को थोड़ा सा, तो तफरी में बच्चे खुश भी होते हैं
और दिलचस्पी लेते हैं हर काम में, पढ़ाई में, हर चीज़ में दिलचस्पी लेते हैं इस तरह करने से। और बंदे का, बड़े का भी जहन फ्रेश होता है, जो बोरियत होती है दिन की वो भी ख़त्म हो जाती है इस तरह की चीज़ें करने से। और ये जो होता है ना, इसमें कोई इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं है जो अखलाकियत के ख़िलाफ़ हो, बहुत अच्छी चीज़ है। वीडियो देखने का शुक्रिया, कमेंट लाजमी करने हैं कि ये वीडियो कैसे लगी आपको, और लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हर किस्म की चीज़ें इंशाल्लाह आपको मिलेंगी इसमें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।